Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. पता नहीं है guys, यार तुम्हारी जरिश ने अफ्तारी बनानी है. आलू उबल गए होंगे ना? आलू का क्या कहते हैं ऐसे, ये क्या कहते हैं छिलका उतार रही हूँ, क्या कहते हैं ऐसे, क्या कहते हैं पता नहीं, मैं क्या बोलती रहती हूँ, इग्नोर मारे जरा. उसके बाद ये आपका हाथ है ना, जो अल्लाह ने आपको माशाल्लाह से दो दो हाथ दिए हैं, ये ऐसे. और गाइस फाइनली अफ्तारी का टाइम होने वाला है और आप देख रहे हैं क्या क्या मेन्यू है हमारे में. Welcome back to my YouTube channel. This is your girl Zaish Khan. तो गाइज आज है रोजा नंबर 9. आपने रोजा नंबर 8 देखा होगा, हम गए थे शॉपिंग करने. क्या कहते हैं, मामी आहिल और अहमद की शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है, मेरी और हुसैन की रह गई है. तो अभी आगे इतने सारे दिन है, उन दिनों में हम कभी शॉपिंग करने चले जाएंगे. और आज जैसा कि आपको मैंने बताया था, आज मैंने बना के दूंगी अफ्तारी. तो मैंने आलू उबलने रख दी है, अब हम बनाएंगे बता क्या क्या मेन्यू में है. अभी आपको बताती हूँ मेन्यू में है क्या क्या. उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. ओके गाइस, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हम मेन्यू क्या क्या करें. पहले तो मैंने आलू उबलने रख दी हैं क्योंकि बॉयल एग से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है ना. और बाकी देखें, टाइम हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे, एक डिश तो बने. और इसके अलावा जामा शीरी या टैंग में से कुछ बना लेंगे. और क्या, हाँ और क्या, और हाँ अब हम मेन्यू डिसाइड करते हैं कि आलू के अलावा और हमने क्या करना है. ओके गाइस, तो पिछला व्लॉग भी आप जाके देखें और इस व्लॉग को भी आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा एंड तक. और गाइस अभी मैं आई थी छत पे और अभी हम क्या कहते हैं, आपने पिछला व्लॉग देखा हुआ था, हम शॉपिंग करने गए थे और इतनी गर्मी थी. लेकिन आज मौसम मजे का है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी. और ये सूरज अंकल सामने, अंकल जी मामा चलो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, मैंने अफ्तारी बनानी है. तुम्हें पता नहीं है गाइस, यार तुम्हारी जरिश ने अफ्तारी बनानी है. आलू उबल गए होंगे ना? दिखाओ दरवाजा बंद. और ये दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है ना, पूरी जान लगती है. देखें ऐसे बंद होता है, वैसे बंद ही नहीं होता. और गाइज मैं आपको बताती हूँ हमारी अफ्तारी का फर्स्ट मेन्यू मैं क्या बनाने वाली हूँ. तो ये तो मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, पहले तो हम इसका उतारते हैं छिलका. और बाकी जो सारी मीन क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है मैं आपको सारा वो बताऊंगी. पहले हमने अभी इस आलू का उतारना है छिलका. तो गाइज अब मैंने अपना मोबाइल ट्राइपॉड पर सेट किया, मुझे नहीं पता आप लोगों को मैं सही नजर आ रही हूँ नहीं. तो अभी क्या कहते हैं, मैं ये आलू का क्या कहते हैं ऐसे, ये क्या कहते हैं छिलका उतार रही हूँ, क्या कहते हैं ऐसे, क्या कहते हैं पता नहीं, मैं क्या बोलती रहती हूँ, इग्नोर माने जरा. और अफ्तारी का टाइम होने वाला है, जल्दी करनी पड़ेगी हमें. तो मैंने हैंड वॉश कर लिया, ये ना कहिए क्या गंदे हाथों से अफ्तारी बना रही है. गाइज मैं अच्छा अफ्तारी कराऊंगी इन लोगों को. तो ये गर्म है तो ये जल्दी से ये छिलका उतारते हैं और उसके बाद हम इस आलूओं को करेंगे मैश. और गाइस ये सारे आलूओं से छिलके मैंने उतार लिए हैं, ये अलग बात है, छिलकों के साथ आधे आधे बेचारे आलू भी उतर गए हैं, ये इग्नोर करें. और अब ये मामा मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आई हैं, मेरे से प्याज नहीं छिल रहा था, ये मम्मा छील रही हैं. और मम्मा छील नहीं रही, काट रही. वही ये की बात होती है यार, समझ जाया करो यार. तो अब हम इसको करते हैं क्रुत क्रुत क्रुत. प्याज नहीं, ये भी मैंने काटी है यार. मैं आपको बताती हूँ, ये भी मम्मा ने काटा है, ये भी मम्मा ने डाल के दी है, ये भी मम्मा ने डाल के दी है, आलू भी मम्मा ने उबाले, ये मम्मा काट रही हैं. मैं सिर्फ क्रू क्रू करके ना जो चीज बनानी है ना वो मैं बनाऊंगी, ठीक है ना. फ्राई भी मम्मा ही करेंगी. फ्राई नहीं करूंगी, खुद करेंगी. अच्छा चलो मैं खुद कर लूंगी गाइस, मैं खुद कर लूंगी. मेरे सर में दर्द हो रही है. शर्मा दर्द हो रहा है आपके? ओ माय गॉड. अब इसको करते हैं मैश मैश मैश. तो गाइस अब हम करते हैं आलूओं का मैश इस हथियार से. गाइज अफ्तारी का टाइम होने वाला है, इस फॉक से तो हमें लग जाने हैं घंटे. हाथ मेरे माशाल्लाह डिटोल से धुले हुए हैं, बिल्कुल कोई जरासीम कुछ नहीं है, ठीक है मम्मा. ये ना कहना गंदे हाथों वाली अफ्तारी खिला रही है. अब मैं आपको बताती हूँ निंजा टेक्निक आलूओं को मैश करने की, ठीक है. आपने इस आलू को रखना है ऐसे, उसके बाद ये आपका हाथ है ना, जो अल्लाह ने आपको माशाल्लाह से दो दो हाथ दिए हैं, ये ऐसे. देखें फॉक से 3-4 दफा करने से हो रहा था, हाथ से 1 दफा करें हो जाएगा. ये देखें 1 2 वाओ. और शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जरिश ने कहा था आपको हर रमजान एक एक और सॉरी हर रोजे में एक अच्छी अच्छी बात बताएगी, इस रोजे की ये अच्छी बात है. और गाइज ये आलू सारे मैंने मैश कर लिए अच्छी तरह. अब आपने क्या करना है, ये देखें ये लाल मिर्च, ये पता नहीं क्या चीज़ था, ये मैं तो नहीं डालती होती, मम्मा ने कहा ये चीज़ें डलती हैं इसलिए ये भी डाल दो. ये मेरे ख्याल में जीरा है, पता नहीं क्या है. और ये हरी मिर्च, धनिया,
इसके बाद ये नमक, ये लाल मिर्च और ये थोड़ी सी सब्जियाँ। ओके, सबसे पहले तो ये सब्जियाँ आप डालें, उसके बाद ये सारा सामान डालें आप, चलो। और इसके बाद नमक, उसके बाद ये वाली थोड़ी सी लाल मिर्चें, ये ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि पहले वो डल गई हैं, ये बस इतनी सी, बाद में अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम वो डालेंगे। अब हमने इसे करना है मिक्स मिक्स मिक्स। और गाइस जब हम इसे करते हैं मिक्स मिक्स मिक्स, और मम्मा चली गई हैं नीचे, मम्मा कह रही थी कुछ और अफ्तारी की चीज़ें वगैरह उन्होंने बनानी है, तो मैंने कहा चलो आप जाओ, मैं ट्राईपॉड पे वीडियो बना लूँगी। अब हम इसे करते हैं अच्छी तरह मिक्स, तो चले मिक्स करते हैं। गिरना दे, अब ये देखें ये अब हमारा सारा मिक्सचर हो गया है रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ अब हमने क्या करना है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी, देखिए कितना कलरफुल सा, इतना प्यारा प्यारा सा लग रहा है। तो अब आपने लेनी है एक कटोरी और उसके अंदर डालें ज़रा मायोनीज, ऐसे ये मायोनीज डल गई। और अब इसके बाद आपने ये थोड़ा सा ऐसे ये मिक्सचर लेना है, ये आलू वाला जो हमने बनाया था, अब इसको आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर चम्मच लें, चम्मच से ऐसे करके थोड़ी सी मायोनीज डालें, ठीक है गाइस, ये आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके थोड़े से और आलू लेने हैं, और इसके ऊपर ऐसे करके और इसकी ऐसे करके बॉल बना लेनी है इस तरह। अब इसके बाद ये बॉल बन गई है ऐसे, अब जब हम इसे खोलेंगे अंदर से ऐसे मायोनीज निकलेगी। चीज़, ये गाइस चीज़ का देसी जुगाड़, चीज़ घर में पड़ी नहीं हुई थी इसलिए मायोनीज से ही काम चलाएं। ये देखें तो ये ऐसे बन गई है। अब इसके बाद हम ऐसी ज़्यादा सारी जितने आलू हैं उतनों की बनाएंगे, इसके बाद इसे अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे, उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। वाओ, तो चलें अब हम जल्दी से सारे के सारे आलू से ये रेडी करते हैं। हम अपनी डिश का नाम रखते हैं क्या कहते हैं, पोटैटो मायोनीज बॉल्स, ठीक है। तो अब हमारी ये क्या कहते हैं बॉल्स रेडी हो गए हैं। मैंने 5:30 पे शुरू किया था और अभी 6 बजने से पहले पहले मैंने ये सारी बॉल्स बना ली हैं। यार साइज इग्नोर करना, कुछ बड़ी कुछ छोटी, लेकिन देखिए कितनी कलरफुल, कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे और अब हम आपको बताती हूँ आपने इन्हें फ्राई किस तरह से करना है। दो दो दफा ब्रेड क्रम्ब में आपने करके करना है, बहुत मजे का टेस्ट बनता है। तो चलो अब हम चलते हैं नीचे, सो लेट्स गो। अभी पीने के लिए भी कुछ बनाना है गाइस। और गाइस अभी हम अपने पोटैटो मायोनीज बॉल्स को क्या कहते हैं फ्राई करने के लिए तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले आपने लेना अंडा और क्या कहते हैं उसको, तो मीन जाहिर से बात आपने फेंट लेना है। और ब्रेड क्रम्ब घर में फिनिश हुए हुए थे तो मामी ले आई थी चीटोस, और चीटोस में हमने फ्राई किए थे, चीटोस से भी बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं। और मम्मा ने अंडे के अंदर पता नहीं मैदा या कुछ और चीज़ें भी डाली थी, मैंने तो सिर्फ अंडे में किया था, अंडे में भी अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद ऐसे उसमें डिप करके ऐसे चीटोस में एक दफ़ा रोल करना है, आप 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्रंच आता है। तो अभी हमारे पास टाइम थोड़ा था इसलिए हमने एक एक इस तरह लेयर करके किया था, और इसके बाद इसको कर लेना है फ्राई। और गाइस अभी मैंने सॉस बना ली है, इसके अंदर मैंने डाली है केचप, मायोनीज, उसके बाद ये थोड़ा सा इसके 3-4 ड्रॉप सोया सॉस के और 3-4 ड्रॉप चिली सॉस के, और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और ऊपर ये धनिया डेकोरेशन के लिए। और गाइस ये हमारी बोले भी फ्राई हो गई हैं, इतने सांडे जितनी कितनी अच्छी लग रही हैं, प्यारी प्यारी सी। और गाइस फाइनली अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और आप देखें क्या क्या मेन्यू है हमारे में। ये मैंने सारे पीनट्स और ये खजूर रख दी, उसके बाद ये सॉस की मैंने आपको रेसिपी बता दी है,
और ये इतने प्यारे से जो हमने मीन रेसिपी ट्राई की, आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपसे सक्सेसफुल हुई या नहीं। और इसके बाद फ्रूट चाट का टाइम नहीं था इसलिए खाली फ्रूट्स, और इसके बाद ये राइस आ गया जो मैंने नहीं बनाए, मामी वगैरह ने बनाए हैं। तो ये है हमारी आज की अफ्तारी। और गाइस फाइनली अब इन सब ने अफ्तारी स्टार्ट कर दी है। मम्मा कैसी है? मजे के बच्चे का टेस्ट अच्छे आए थे। हुसैन हुसैन इसको बोल बोल कह के मांग रहे, और इन बच्चों का शोर आप इग्नोर करें। मामी कैसा है? अच्छे हैं, अच्छे मजे के लगे। तो गाइज आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताएं आपसे सही बनी या नहीं। ओके गाइज, तो मैं आपको खा के मिलती हूँ। और भाई नानो कैसा है? बड़े अच्छा, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, अल्लाह कामयाब करी। थैंक यू तो गाइज आपने इन सब के रिव्यूज भी देख लिए, और अब आपको अपनी जरिश के कुकिंग स्किल्स पे यकीन आ गया होगा। अहमद कैसा है? कैसा है? अच्छे है ना? मतलब गुड।